लेटेस्ट मोबाइल फोन्स के रिव्यूज़ जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। लेटेस्ट मोबाइल फोन्स अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली और आप देख रहे हैं मोबाइल वर्ल्ड। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए G5 का एक और हैंडसेट जो है दोस्तों G6600। इस हैंडसेट का मॉडल नेम है और इस हैंडसेट का आप शेप देख सकते हैं कि पुराना 6600 था जो नोकिया वालों का, उस शेप में इन्होंने ये हैंडसेट निकाला है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ, जो हमें मिलती है 2000 रुपये में। ये हैंडसेट आपको मार्केट में भी बिल्कुल ही आसानी से मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इस सेंसर में हमें क्या स्पेक्स मिलते हैं। इसके बॉक्स के पीछे हमें स्पेक्स मिलते हैं जो मैं आपको दिखा देता हूं और पढ़ के भी बताता हूं कि 2.4 इंच की स्क्रीन मिलती है, 3000 mAh की बैटरी मिलती है, डिजिटल कैमरा, कॉल रिकॉर्डिंग और इसके अलावा ड्यूल सिम, ऑडियो वीडियो प्लेयर, 16 GB तक मेमोरी कार्ड सपोर्ट करेगा, FM रेडियो मिलता है विथ रिकॉर्डिंग, पावरफुल टच वो हम देखेंगे और इंटरनेट ब्लूटूथ मिलता है। तो दोस्तों ये थे इसके स्पेक्स, अब आइए हम चलते हैं इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं इस हैंडसेट का हम शेप। तो करते हैं इसकी छापर को हम हटा देते हैं। तो दोस्तों ये मैंने इसकी छापर तो हटा दिए, स्टिकर को हम काट देते हैं, फिर हम देखते हैं हैंडसेट के शेप को। ये मैंने काट दिया स्टिकर को भी और ये मैंने कर दिया अनबॉक्स। ये हमें वारंटी कार्ड मिलता है G5 वालों का और इसके अलावा तो हैंडसेट को हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले इसकी एसेसरीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद आराम से हैंडसेट को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आम सी हैंड फ्री मिलती है और ये एक चार्जर मिलता है हमें इसमें, और इसके अलावा इसकी बैटरी 3000 mAh आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये तो बैटरी को रखते हैं अभी हम यहाँ पे और बाकी एक्सेसरीज़ को रखते हैं बॉक्स में अंदर वापस, और रखते हैं बॉक्स को साइड पे ताकि हम हैंडसेट को देख सकें। तो ये देख सकते हैं आप दोस्तों, बिल्कुल ही वही शेप पुराने नोकिया का 6600 जाता उसके शेप में ही है। और ये कीपैड हमें हार्ड मिलते हैं, 2.4 इंच की स्क्रीन, अपर साइड में यहाँ पे एयर पीस मिलता है इसका और डाउन साइड में हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक मिलती है, चार्जिंग जेक मिलता है और 3.5 का ऑडियो जेक मिलता है, ये देख सकते हैं आप। और इसकी साइडें भी आप देख सकते हैं ये, और इसके अलावा ये दूसरी साइड और ये इसकी बैक साइड, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, बिल्कुल ही हैंडसेट तो सही है, अच्छा हैंडसेट लग रहा है। तो बैटरी भी अच्छी है वैसे तो इसकी, 3000 mAh की बैटरी मिलती है, प्राइस भी हमें सही मिलती है, इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है। तो अभी हम निकालते हैं इसके जो है, तो निकालते हैं हम इसकी बैक साइड को। तो यहाँ से ये बैक साइड इसकी पता नहीं कैसे निकलेगी, तो जी हाँ यहाँ से निकलेगी, यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने इसकी बैक साइड निकाल ली है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ड्यूअल सिम सपोर्टेड और यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगेगा। तो आइए अब हम करते हैं इसमें बैटरी इंसर्ट और करते हैं हैंडसेट को ऑन ताकि हम देख सकें इसमें हमें कॉन्टेक्ट और SMS मेमोरी जो है कितनी मिलती है। और इसके अलावा स्पीकर तो बहुत ही बड़ा मिलता है इसका, बड़ा साउंड है स्पीकर का। तो आप दोस्तों आपने दोस्तों सुना है इसका स्पीकर की वॉइस तो हमें बहुत ही बड़ी मिलती है। और अब आइए हम देखें इसकी कॉन्टेक्ट मेमोरी कितनी मिलती है। तो ये देख सकते हैं आपके 300 कॉन्टेक्ट आप इस सैमसंग में सेव कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि SMS मेमोरी हमें कितनी मिलती है इस सैमसंग में। तो राइट मैसेज में चलते हैं, सबसे पहले टाइप करके देखते हैं। तो टाइप भी बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं आप, इतनी जो है मुश्किल नहीं हो रही और बिल्कुल ही आसानी से टाइप भी हो रहा है। तो इसके अलावा हम देखें इसकी मैसेज कैपेसिटी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 100 SMS आप इसमें सेव कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप दोस्तों, इसमें आप 100 SMS सेव कर सकते हैं। और इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे हमें कैमरा मिलता है ऑडियो वीडियो प्लेयर मल्टीमीडिया में, ऑडियो वीडियो प्लेयर, FM रेडियो डायरेक्ट शायद इसका सर्च कर रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो FM रेडियो भी डायरेक्ट विदाउट हेडफोन के आप इसमें चला सकते हैं FM को। तो अभी हम इसको करते हैं बंद। और इसके अलावा यहाँ पे हम इसके मेन्यू में देखें तो ब्लूटूथ,
फाइल माय फाइल्स ये, और चलते हैं अभी हम सेटिंग में, सेटिंग में चलते हैं सिक्योरिटी में। तो सिक्योरिटी में हमें मॉडिफाई प्राइवेसी सेटिंग में मिलती है, ऑटो कीपैड लॉक, मोबाइल ट्रैक का, फिक्स डायलिंग, ब्लैक लिस्ट का भी ऑप्शन मिलता है। दोस्तों ये थी इसकी सेटिंग्स में भी हमें कुछ सेटिंग मिलती है प्राइवेसी की भी, और ब्लैक लिस्ट की भी सेटिंग मिलती है हमें। और इसके अलावा दोस्तों हम चेक कर लेते हैं इसमें कलर इमेज और रिंग टोन भी, मैं आपको उसे देख चेक करा देता हूँ कि सेट होगा या नहीं। तो बिल्कुल ही आप इसमें कलर इमेज और रिंग टोन दोनों सेट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये भी एक अच्छी बात है इसकी सेंसर में, और कीपैड भी इसकी बिल्कुल ही अच्छे हैं। थोड़े जो हैं फॉन्ट इसके डायलिंग के थोड़े छोटे हैं, कम साइज स्मॉल साइज़ के हमें मिलते हैं। तो हैंडसेट तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और इसके अलावा यहाँ पे मैंने इसके अपने इसकी साउंड भी सुनी, बहुत ही अच्छी मिलती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर 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 पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।